हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है ना, अगर आप कम बजट के अंदर एक एसयूवी, स्ट्रॉन्ग एसयूवी आप ढूंढ रहे हो तो आप सीधे टाटा में आके नेक्सॉन को देख सकते हो। और नेक्सॉन में ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छा मॉडल है। मतलब कि ये है इसका प्योर मॉडल, और ये जो कलर आप देख रहे हो ये इसका प्योर ग्रे कलर है। मतलब नाम और मॉडल एकदम एक जैसा ही है। ये कलर जो है ना, ये डेटोना ग्रे जो आती थी उसका एक लाइट वर्जन है। डेटोना ग्रे यहाँ पे देख सकते हो साइड में खड़ी है, लेकिन ये जो है इसका प्योर ग्रे कलर है और काफ़ी ज़्यादा अपीयलिंग यहाँ पे लग रहा है। देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। गाड़ी का जो मॉडल का नाम है प्योर मॉडल है, और एक्स शोरूम जो कीमत है ना बहुत कम यहाँ पे मिल जाता है। अंडर 10 लाख कार है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं भाई इसमें। तो सबसे पहले इसका फ्रंट आप देखेंगे, आप देखो इतने शानदार बेहतरीन से यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है, ज़बरदस्त लगता है। नीचे देख सकते हो कुछ इस पैटर्न में जो है इसमें ग्रिल आ रहा है, और हॉर्न दिख रहा है यहाँ से। टाटा का जो लोगो है वो चेंज हो चुका है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो है ना, ये LED में DRLs भी मिलता है, साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है, बढ़िया है। नीचे जो है इसका LED में यहाँ पे हेडलाइट्स मिल जाता है, प्रोजेक्टर फॉर्म में है, एकदम सफ़ेद रोशनी यहाँ पे मिलता है। फॉग लैम्प के लिए यहाँ पे कॉन्सोल दिया है, चाहे तो बाद में भी लगवा सकते हो। यहाँ पे देखो तो एयर कर्टन यहाँ पे मिलता है। तो ये है इसका सामने से कुछ डिज़ाइन, बहुत अच्छा बहुत शानदार यहाँ पे डिज़ाइन इसका मिलता है। अब आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कार दिखने वाली है, बहुत ज़बरदस्त है। देखो बहुत शानदार लुक के साथ यहाँ पे मिल रहा है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जगह यहाँ पे कम है इसीलिए प्रॉपर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी देख सकते हो कार का जो साइड प्रोफाइल है ना बहुत अमेजिंग यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे लंबाई की बात करेंगे तो 3995 mm कार की जो है लंबाई यहाँ पे मिल जाती है। कार की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 1804 mm यहाँ पे मिलती है, और कार की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे 1620 mm देखने के लिए मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 208 mm बढ़िया यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। व्हील यहाँ पे देखेंगे तो स्टील रिम के साथ यहाँ पे आता है। व्हील कवर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सिल्वर व्हील कवर के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। टाटा का लोगो है बीच में, और यहाँ पे जो है गुडियर के टायर यहाँ पे दिख रहे हैं। और प्रोफाइल 195/60 R16 का यहाँ पे मिल रहा है, ज़बरदस्त है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स आ रहे हैं। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है साइड ग्लाइडिंग यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से। और ये है इसका पीछे वाले टायर। यहाँ पे हैंडल्स देखेंगे, डोर हैंडल्स वो ब्लैक कलर में ही मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे ORVM की बात करेंगे ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल रहा है। ए पिलर जो है देखो ब्लैक टेप्ड आउट है, देख सकते हो। बी पिलर जो है यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर जो है सिल्वर रूफ रेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 50 लाख कार इन्होंने बेच दी है 25 साल के अंदर, उसका सेलिब्रेशन टैग यहाँ पे दे रहे हैं। अब आते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो रियर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे लुक मिल रहा है, देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है टेल लाइट जो है यहाँ पे बता दूँ, ये ओनली डिज़ाइन है, इसमें जलता नहीं है, जलता है ये वाला पोर्शन ओनली जो टेल लाइट्स हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पे LED में टर्न इंडिकेटर ज़रूर मिल जाता है। प्लेन ग्लास है, ना वाइपर ना डिफॉगर यहाँ पे आता है। स्पॉइलर जैसा देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बहुत अमेजिंग यहाँ पे लुक आ रहा है। बाकी ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर में मिल रहा है। यहाँ पे जो है इसका ब्रेक लाइट्स और रिवर्स लैंप यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे तो नेक्सॉन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, टाटा का लोगो नया वाला। और यहाँ पे जो है सेंसर 1-2 यहाँ पे मिल रहा है। LED में ही यहाँ पे नंबर प्लेट लाइटें मिलता है, और कोई भी स्किड प्लेटें यहाँ पे रियर में नहीं मिलता है। और कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता है। तो ये है कार का जो है रियर प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके बूट की, तो बूट एक बार ओपन कर देते हैं। बूट जो है यहाँ पे कोई बटन्स नहीं दिया गया है, बूट सामने से ही ओपन करना पड़ेगा या चाबी से आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है इसका बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। बाकी पार्सल ट्रेस ब्रांड में नहीं मिलता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं, 1 KG का नहीं, 3 KG का यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर है, देख सकते हो। स्टेपनी जो है यहाँ पे मिल रहा है, जो कि गुडियर के टायर है। जो प्रोफाइल है इसमें 195/60 R16 का ही सेम साइज़ का यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था स्टेपनी बूट स्पेस के बारे में। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है इसको बंद करने के लिए, तो करते हैं बंद। और यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करेंगे, 44 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है, बढ़िया है।
अब जो है अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर का माहौल दिखाते हैं। ये है इसका इंटीरियर, पहले चाबी देख लो टूटू कर रहा है। तो यहाँ पे कीज सेंट्रल लॉकिंग के साथ यहाँ पे मिल जाता है, ज़बरदस्त है। देख सकते हो लॉक अनलॉक और लाइट को ओपन करने के लिए यहाँ पे, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे मिलता है बटन, एक मैनुअल एक रिमोट की यहाँ पे फ्लिप की के साथ यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो यहाँ पे ज़रूर मिल जाते हैं। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, देख सकते हो यहाँ पे ग्रे टाइप का फिनिशिंग दी गई है कुछ इस तरीके से टेक्सचर के साथ, बट ये प्लेन है, ठीक है। डोर लीवर यहाँ पे देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्पीकर्स आ जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम है इसमें, और बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये चीज़ें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी डोर में मिलता है। तो ये था डोर ट्रिम के बारे में। अब जो है यहाँ पे सीट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लेदर सीट है, लेदर नहीं है दोस्तों, ये इसमें आता है फैब्रिक। ये देखो ये साइड में जो है फैब्रिक है, कुछ इस तरीके से फैब्रिक में पूरा सीट आती है। ये गाड़ी डिलीवर होने वाली है कल सुबह, तो यहाँ पे जो है सीट कवर के साथ यहाँ पे लग चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे सीट कवर मिल रहे हैं, देख सकते हो शोरूम की तरफ से यहाँ पे नेक्सॉन भी लिखा हुआ है। बाकी जो ये सीट प्रॉपर यहाँ पे फैब्रिक में मिलती है, बट इसमें जो है हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं आती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, रियर के भी एडजस्टेबल यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो है अंदर बैठते हैं, फिर अंदर का माहौल यहाँ पे दिखाते हैं। ये है कार का डैशबोर्ड, देख लो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे सबसे पहले स्टीयरिंग देखेंगे तो यहाँ पे डी कट के साथ आ रहा है और काफ़ी सुना सुना सा लग रहा है। पहले पावर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो है यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे बटन्स यहाँ पे नज़र आने लग गए हैं। इधर जो है म्यूज़िक के कंट्रोल से यहाँ पे मिल जाता है, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो है। इधर जो है MID डिस्प्ले, इसको कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो ट्रिप है, ट्रिप बी ट्रिप, ये सब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बीच में डिजिटल है, बाकी RPM यहाँ पे डिजिटली शो करेगा। और इधर जो है फ्यूल और टेम्परेचर मीटर यहाँ पे शो करता है। तो यह है क्लस्टर के वेटर के बारे में। और यहाँ पे स्टेयरिंग डी कट में आ रहा है, देख सकते हो टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये है टिल्ट स्टीयरिंग यहाँ पे मिल रहा है, वाइपर ऑटोमेटिक वाइपर यहाँ पे मिल जाता है, वाइपर यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले मिल रहे हैं देख सकते हो। और इस साइड को जो है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी जरूर मिल जाता है इस गाड़ी में, बढ़िया है। तो ये था स्टीयरिंग और क्लस्टर के बारे में। इधर जो आएंगे तो म्यूजिक सिस्टम जरूर यहाँ पे मिल जाते हैं। एनिमेशन देखो भाई, टाइम चल रहा है एकदम एनालॉग जैसा घड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया लगा काफ़ी मुझे। और ये जो है हरमन कर्टन का म्यूज़िक सिस्टम है, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी यहाँ पे देता है। तो ये है इसका म्यूज़िक सिस्टम, 7 इंच के साथ यहाँ पे आ रहा है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे डैशबोर्ड देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वही जो डोर ट्रिम पे था वैसा ही यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है, एक तरीके से बीच कलर है। बाकी यहाँ पे टेक्सचर मिल जाता है, यहाँ पे सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है, मतलब कि टच बटन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। फैन स्पीड और टेम्परेचर यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए, बाकी हैजर्ड लाइट वाला बटन, बूट ओपन करना और यहाँ पे लॉक अनलॉक का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टच में दिए गए हैं। ट्रांसमिशन यहाँ पे देखोगे तो एक गियर यहाँ पे ज़्यादा है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एक मिल रहा है यहाँ पे एक रिवर्स के साथ। मोड्स यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है इको सिटी स्पोर्ट्स का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको। यहाँ पे देखेंगे तो स्पेस है, हैंड ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है। इधर देखेंगे तो ये ग्लव बॉक्स, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो ग्लास वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है, यहाँ पे नोट पैड वगैरह रखना है, पेन रखना है तो यहाँ पे दिया गया है। IRBM सिंपल वाला एकदम मिल रहा है यहाँ पे। इधर टिकट होल्डर मिल जाता है, लाइटें LED में है देख सकते हो, यहाँ पे एयरबैग ऑन है ऑफ है पैसेंजर वाला वो यहाँ पे शो कर रहा है। और इधर जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है, बाकी कोई सेकेंडरी लैंप वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। तो ये था कार का कैबिन। अब जो है एक बार रियर कैबिन ज़रूर दिखाता हूँ। और हाँ, कैबिन दिखाने से पहले इसमें एयरबैग की बात करूँगा ना, तो इसमें आपको मिलता है 6 एयरबैग, तो 6 एयरबैग हर जगह पे यहाँ पे एयरबैग ही एयरबैग देखने को मिलेगा। सेफ्टी भरपूर इस गाड़ी में है, कोई भी नो डाउट इसमें कि थोड़ा भी यहाँ पे सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा यहाँ पे सेफ्टी में एयरबैग दिया गया है देख सकते हो। सामने 2 है ये पिलर्स में, इधर इधर उधर कोने में, सीटों के दोनों साइड में, हर जगह पे यहाँ पे एयरबैग जरूर देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में। अब आपको रियर वाला कैबिन दिखाते हैं। ये है इसका डोर, देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में डोर लीवर वही बीच कलर, यहाँ पे पावर विंडो वाला बटन, यहाँ पे
यहाँ पे बॉटल होल्डर ऐसे करके लेगा, बाकी यहाँ पे न्यूज़पेपर होल्डर मिलता है, स्पीकर ग्रिल है उस इस तरीके से। बाकी यहाँ पे देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट ज़रूर यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया है। अगर अंदर आप बैठोगे इसमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। सीट की जो है लेंथ है, ये लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको लेग में। बाकी नी रूम हेड रूम काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, रियर एसीवेंट भी आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे खाली है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे सीट कवर में सीट बैक पॉकेट ज़रूर मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जेन्युइन एक्सेसरीज है तो यहाँ पे बैजिंग की गई है देख सकते हो। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब इंजन की बात कर लें, बोनट यहाँ से ओपन हो जाता है, बहुत हैवी बोनट यहाँ पे मिलता है। इंजन यहाँ पे जो है रिवोटॉन इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 3 सिलेंडर के साथ आता है 1.2 लीटर का, और टर्बो इंजन है, ज़बरदस्त पावर यहाँ पे मिल जाता है, 118 bhp का यहाँ पे पावर जनरेट करता है। जो टॉर्क है वो 170 Nm का यहाँ पे मिलता है, 170 Nm का टॉर्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये इंजन यहाँ पे दे देता है। करते हैं बंद, बंद करने से पहले यहाँ पे देख लो यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी मिलता है। तो अब आते हैं इसकी माइलेज के ऊपर, तो माइलेज कितना देती है कंपनी यहाँ पे क्लेम जो करता है, यानी ERAI साइड जो है जो माइलेज टेस्ट करती है वो यहाँ पे 17 km/h यहाँ पे क्लेम करता है, मैक्सिमम है 17 है, बाकी आप आपके जो है ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है और कहाँ ड्राइव कर रहे हैं उस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो 17 मैक्सिमम माइलेज यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी से। अब आता है गाड़ी की कीमत के ऊपर, तो कीमत कितने में ये मिल रहा है, प्योर मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल के नाम से यहाँ पे मिलता है, जिसका एक्सशोरूम कीमत है मात्र 980,000। तो 980,000 में इतने बढ़िया फीचर के साथ ये गाड़ी आपको यहाँ पे मिल रही है, देख सकते हो LED में यहाँ पे हेडलाइट्स यहाँ पे मिल जाता है, LED में टर्न इंडिकेटर DRLs ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, अंदर टच म्यूजिक सिस्टम है और ऑल पावर विंडो मिरर एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है मात्र 980,000 एक्सशोरूम कीमत पे। 6 एयरबैग भी आ रहा है, बढ़िया गाड़ी है। आपको कैसा लगा ये गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।